इसके अलावा पंजाब सरकार ने मंडियों में भीड़ घटाने के मकसद से देर से फसल लाने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा हुआ है। इसके तहत मई में फसल लाने पर किसानों को प्रति क्विंटल 100 रुपये जबकि जून में फसल लाने पर 200 रुपये दिए जाने हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं डकोंडा किसान यूनियन ने एपीएमसी कानून में संशोधन कर आढ़तियों को 48 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान करने की मांग की है। किसान यूनियन का कहना है कि आढ़तिये लंबे समय तक किसानों का भुगतान लटका देते हैं, इस बदलाव से किसानों को राहत मिलेगी। किसान यूनियन ने यह भी कहा कि ऑनलाइन भुगतान में अगर किसी किसान को कोई दिक्कत होती है तो यूनियंस एनजीओस के साथ मिलकर किसानों की मदद करेंगी। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं डकोंडा किसान यूनियन के महासचिव जगमोहन भट्टी जी। जगमोहन भट्टी जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए, बैसाखी का समय है, आमतौर पर किसान इस वक्त हाथ में उनके कैश होता है और वो उत्सव मनाते हैं, लेकिन कोरोना से चल रही इस लड़ाई के बीच पंजाब के लिए इस बार बैसाखी कैसी है? देखो जी, अज विसाखी है। विसाखी वाले दिन जो विसाखी का समा होता है तो पंजाबी च एक गीत है कि मारदा जट दमामे मेले आ गया। मेले का समा होता है, खुशी का होता है, फसल में असी कटाई शुरू कर देंगे तो फसल साढ़े घर आनी होंगी। इस समय दौरान मतलब अज इस बार करोना वायरस ऐसी महामारी जी अंतरराष्ट्रीय पद्धत फैली आ इंटरनेशनल लैवल से, उन्होंने पंजाब ने अपने लपेट में लै लिया तो बहुत ही किसान निराश है। वो फसल का की बनूगा जो बीमार हो गया तो इस बीमारी का हल की होगा? सेहत सेवाएं पूरियां नहीं है, इस करके पंजाब के खेती सैक्टर जो 60-70% लोग रहते हैं वो बहुत दुखी हालत च ने। उन्होंने आने वाले समय जो 6 महीने बाद कमाई होनी सी, उस कमाई की संभावना बहुत घट है। इस करके इस विसाखी के समय में असी मेरी 64 साल की उम्र की पहली विसाखी दे रही हाँ, जी एक दुखदाई विसाखी है, दुख भरी विसाखी है। ये बताइए कि फसल खरीद के लिए जिस तरह की बारीक तैयारी होनी चाहिए थी उसका कोई रोड मैप सामने आया है? पर्ची किस आधार पर मिलेगी? जो बड़े किसान हैं जिनकी पहुंच होती है, जो रसूखदार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको इसका फायदा मिल जाएगा और छोटे किसान देखते रह जाएं? पंजाब सरकार ने एक रोड मैप बनाया खरीद के संबंध में, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लागू होने वाला नहीं गा। वह उस तरह ही किसान बैठूगा, उसे ढेरी लाऊगा, 50 क्विंटल तो वध नहीं। बहुत सारिया शर्तां ने, सख्त शर्तां ने। दूजी गल है जो किसान की आवाजी वड्डियां मंडियां इन्होंने खोलतियां, इन्होंने 2-2, 3-3 पिंडां पिछे सेंटर छोटे खोलने चाहिए सी। वड्डियां मंडियां नूं पार्शली थोड़ा जिहा ही ओपन करना चाहिए सी। बाकी जिहड़ी गल रही है कि जिहड़ी वड्डे कंडे ते पूरी ट्राली तुल जानी चाहिए आ, थोड़ी बहुत कटाई ते सहमति करके कटाई कर लैनी चाहिए आ। पर जिथों तक मतलब कहिंदे ने वी इक ट्राली किसान लैके गया, उहदा पास जिहड़ा आढ़तिया दूगा, आढ़तिया कोई आढ़तिया कमिशन एजेंट घट आ, मनी लैंडर ज़्यादा, वो रिच पीजेंट तक ज़्यादा पहुँचा, रिच पीजेंट को ज़्यादा फायदा होएगा क्योंकि करफ्यू पास तो स्लिप पढ़ती दे देनी है। मंडीकरण इंपलाइज के हाथ से होना चाहिए राइट, या फूड ग्रेन एजेंसियों ने इंपलाइज होना चाहिए, या किसानों के नुमाइंदे विच लैके मतलब दिते जाने चाहिए ने। खास तौर पर छोटे से गरीब किसान जोड़ा वो लिए मतलब प्रैफरेंस दिते जाने चाहिए। छोटे से गरीब किसान की जी हैगी 5 एकड़ तो घट आई वो कणक सब तो पहला प्योरिटी बेसिस से खरीदी जाए। तिरपाल या स्टोरेज यानी भंडारण की क्या व्यवस्था है? लगभग 182 लाख टन गेहूं मंडी में पहुंचेगा लेकिन खरीद होगी 135 लाख टन की। ऐसे में जिसकी खरीद नहीं होगी क्या उन्हें ठीक भाव मिल पाएगा? जो खरीद व्यापारी करेंगे क्या उन पर भी किसी तरह का दबाव होगा कि सरकारी भाव पर ही खरीद तय हो? कणक का स्टोर करने का मामला, मंडी के कणक रखी जा सकती है, मौसम ऐतकी पहला ही बहुत खराब रहा, गांह भी खराब होने के चांसिस पे ने। इन्ह चांसिस के कुछ मंडिया के शैड है, पर जिते शैड नहीं है उत्थे किसी भी तरह तरपालों का अरेजमेंट मंडीकरण के वाइस चेयरमैन नाल कल ही डिस्कशन हुई है, उन्होंने कोई अरेजमेंट नहीं किया। असं मांग करते हैं कि वड्डी पद्धत तरपालों का अरेजमेंट किया जाए। जो तक दूजी गल है भी कणक सारी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, देखो ये मुख्यमंत्री का वायदा है भी अभी दाना खरीदेंगे, जिनी प्रोडक्शन हुई पंजाब सारी खरीदेंगे। ये अभी प्रैशर बना के रखेंगे, सानू किसी भी इस माड़ी हालत के किसी ना किसी ढंग तरीके सा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जिनी कणक है सारी खरीदी जाए, सारी MSP से खरीदी जाए, इसलिए अभी पूरा प्रैशर बना के, यही अभी कणक खरीदेंगे अभी नहीं खरीदेंगे। इस किस्म का अभी बिल्कुल ही मंडी के होने देवे, नहीं तो अभी प्रोटेस्ट करा किसान ऑर्गेनाइजेशन, अभी लिखती रूप मंग पत्र भी पहला मुख्यमंत्री भेज दिता। कहा जा रहा है कि एक ट्रॉली जिसमें 50 से 70 क्विंटल गेहूं होगा उसकी तुलाई होगी और एक पास के आधार पर यह तुलाई होगी, मगर अगर किसी की फसल ज्यादा है, 70 क्विंटल से ज्यादा है, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या उन्हें दो पास लेने होंगे और तब ये पास क्या अलग अलग समय पर मिलेंगे या फिर एक साथ, या फिर लंबा इंतजार करना होगा? जो इन्होंने मतलब
कर्फ्यू पास काम जो स्लिप है देना वह आड़ती अधिकार दिता से बहुत निखेधी करते हैं गलत गल है आड़ती अधिकार नहीं देना चाहिए मंडीकरण बोर्ड गवर्नमेंट मुलाजम फूड एजेंसी मुलाजम अधिकार होना चाहिए एक पास देंगे ने पास कम कर्फ्यू पास जो एक ही ट्राली आ सकती है ये गलत है इन्होंने शुरुआत किया सुझाव भेजा प्रोसीडर कर रहे पॉजिटिवली कंसीडर करना चाहिए एक किसान ने 5 किले 3 किले 6 किले 7 किले कंबाइन लाई है तो लगातार ट्रालियां आनियां एक किसान मतलब एको ही किसान सारिया ट्रालियां आप मंगवा सकता बाकी किसान मंडी च एंट्री ना करन जो मतलब उत्थे डिस्टेंस जी है सोशल बरकरार रहे इसलिए एक किसान जिन्नी वो फसल है उन्हें रिकॉर्ड पाया पहले ही उन्नी उन्ने क्वंटल का उन्होंने कट्ठा ही पास दे देना चाहिए तो उस पास की कट्ठी ही कणक मंगा लेनी चाहिए है वो कट्ठी कणक मंगा के एक ही किसान मंडी च रह के सारी कणक तला सकता जे वे ट्रालियां तुल जाए तो कुछ एक अद्धे घंटे के सारी फसल तला के वापस जा सकते कहा जा रहा है कि 2 लाख टन गेहूं व्यापारी खरीदेंगे ऐसे में जो गेहूं व्यापारी खरीदेंगे क्या उन पर किसी तरह का दबाव होगा सरकार की तरफ से कि उन किसानों को ठीक ठाक भाव मिले या फिर एमएसपी के आसपास का या एमएसपी जैसा भाव मिले जरा एक सवाल घूम रहा है कि 2 लाख टन जी कणक है वो इस बार प्राइवेट ट्रेडर खरीदूगा असं तो बिल्कुल सही तरीके प्राइवेट ट्रेडर को जाना नहीं चाहिए यह फूड सिक्योरिटी का मामला है सरकार दी फूड एजेंसियों को लेना चाहिए एफसीआई में यह नोडल एजेंसी के तौर पर काम करना चाहिए इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से सारे पंजाब सारे भारत लिए भारत के गरीब लोगों ने रखना चाहिए हूँ ठाठा भी जी गड्डिया ने कणक के चावलों पंजाब चो जा रही ने इसलिए केंद्र सरकार आप खुद प्रोक्योर करे पर जे कहना प्राइवेट ट्रेडर ने करना है तो वो एक पहले ही तयशुदा गल है कि एम एस पी तो वध रेट के उत्ते कर सकते हैं एम एस पी तो वध रेट दे के साढ़े तो करते हैं पर जी सू मतलब मुल आल मैंडेटरी हो मंडीकरण बोर्ड या मतलब पंजाब गवर्नमेंट इस गल की गरंटी ही ना दे सगो सू पेमेंट दे दे जो वही ट्रेडर को रहे ट्रेडर को उन्होंने की गरंटी लैनी है किवें उन्होंने रजिस्टर करना है उन्होंने सिरदर्दी है पर किसान पूरे पैसे समय सिर 48 घंटे अंदर मिलने चाहिए मुख्यमंत्री के वादे मुताबिक बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी इन तमाम जानकारियों के लिए।